देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है और इस बार सरकार बनवाने में दो दलों की भूमिका बेहद अहम रही है। एक तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और दूसरी नीतीश कुमार की जेडीयू। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाने के साथ ही बार बार एनडीए में रहने की बात करने वाले नीतीश कुमार जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तो एक बार फिर कयासों का दौर चल निकला। एक बार फिर वही बात होने लगी जिसकी आशंका लगातार उठती रही है कि कहीं एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारने वाले, और अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे की वजह रेल मंत्रालय का ना मिलना और जितने पोर्टफोलियो जेडीयू को मिले उससे खुश ना होना भी है। देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राममोहन नायडू और नारा नायडू समेत दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ना पहुंचने पर कई सवाल उठ खड़े हुए। इसके बाद बिहार में आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार शायद नाराज चल रहे हैं और एनडीए में फूट पड़ चुकी है, और यह भी कहा गया कि कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से बीमार तो नहीं हो गए। जरा इसकी पूरी कहानी हम आपको बता दें। ऐसा कहा जाता है कि कई बार जिन मौकों से नीतीश कुमार को दूरी बनानी होती है या नाराजगी दिखानी होती है तो नीतीश कुमार बीमार होने का बहाना बना देते हैं। कल ही देखे तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि मंत्रालय के बंटवारे में बिहार को झुंझुना थमा दिया गया और रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश की नाराजगी की चर्चाएं हम पहले से ही सुन रहे हैं। पहले सुनिए जरा तेजस्वी ने क्या कुछ कहा था। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। हालांकि एनडीए में फूट की बात पर पलटवार करते हुए जेडीयू की तरफ से कहा गया कि ना जाने के कई कारण हो सकते हैं, इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार मार्च 2024 में बिहार में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि चुनाव से पहले नीतीश का ये कदम इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका था और हैरान करने वाला था। इसके पहले उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, एक तरीके से सबको एकजुट किया था। उन्होंने उसकी पहली बैठक की मेजबानी भी की थी जिसमें 33 दलों के नेता शामिल हुए थे, और उसके बाद वो लगातार खबरें इस तरह की रही कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया तो इस बात से नाराज होकर इंडिया गठबंधन को अलविदा कह दिया। वहीं लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कन्वीनर के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, और इसके बाद से महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहा और नीतीश ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया। नीतीश के एनडीए में वापसी के बाद से ही उनकी पुरानी सहयोगी आरजेडी उनके फिर से पलटने की बात कहकर निशाना साध रही है। आरजेडी का मानना है कि नीतीश कुमार को एनडीए सरकार में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार से जेडीयू को दो मंत्री पद दिए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री। लेकिन इन सब के बीच लगातार चर्चाएं ये चलती रही कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय को लेकर पूरी तरीके से जोर लगाए हुए हैं कि रेल मंत्रालय किसी भी तरीके से जेडीयू को मिले, यानी कि बिहार को मिले। और दावा इसके पीछे ये कि पहले भी नीतीश कुमार रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं और बिहार को रेल मंत्रालय मिलता रहा है, लेकिन मोदी सरकार में फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया। और इसके बाद तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार शायद नाराज हैं और वो शायद एक और कैबिनेट पद चाह रहे थे, इसको लेकर के भी नाराजगी है। लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो तो नीतीश कुमार या उनके करीबी लोग ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में ना पहुंचने से एक बार फिर सवालों का दौर शुरू हो गया है और हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।